ग्रीन पटाखे एक बार फिर चर्चा में हैं। चंडीगढ़ जिला प्रशासन ने दिवाली के दिन रात में 8 से 10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी पटाखे न जलाने की गुजारिश कर चुका है। पहली बार ग्रीन पटाखों की चर्चा 2018 में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री से इनकार करते हुए कुछ शर्तें लागू की थी। इसके बाद ग्रीन पटाखे जलाने और बेचने का आदेश दिया था। ऐसे में सवाल ये कि क्या ग्रीन पटाखे वाकई में पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ये पर्यावरण के लिए कितने सही हैं और बनावट के मामले में ये सामान्य पटाखों से कैसे अलग होते हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं ग्रीन क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स दिखने जलाने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन माना जाता है कि इनसे प्रदूषण कम होता है। इनकी खोज भारतीय संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी ने की थी। इन्हें खास तरह से तैयार किया जाता है और इनमें बेरियम नाइट्रेट की जगह पोटेशियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। बेरियम नाइट्रेट एक ऐसा केमिकल है जो शरीर के अंदर जाने पर नाक, गले और फेफड़ों में दिक्कत पैदा कर सकता है। अक्सर पटाखे के धुएं से जी मिचलाना, उल्टी जैसा महसूस होता है, इन सब के लिए भी बेरियम नाइट्रेट को ही जिम्मेदार माना जाता है। क्या वाकई प्रदूषण फ्री होते हैं ग्रीन क्रैकर्स? किसी भी चीज के पहले ग्रीन लग जाने से हम उसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली समझते हैं, यानी वो चीजें जिनका पर्यावरण पर बुरा असर नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स से कोई पोल्यूशन नहीं होता और ये पर्यावरण के लिए सही हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रीन क्रैकर्स जरूर सामान्य पटाखों से कम हानिकारक हैं, लेकिन उनका भी हमारे एनवायरनमेंट पर बुरा असर होता है। ग्रीन पटाखों में भी एल्यूमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन जैसे प्रदूषणकारी रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनकी मात्रा जरूर कम होती है। सामान्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे 40-50% तक कम हानिकारक गैस पैदा करते हैं। साथ ही इनमें वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले नुकसानदायक केमिकल्स भी कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनकी मदद से वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोका जा सकता है। आखिर में आपको बताते हैं कि ग्रीन पटाखे कितने तरह के होते हैं। आमतौर पर इनकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें अलग अलग खूबी वाले पटाखों को रखा गया है। पानी पैदा करने वाले ग्रीन पटाखे, ये ऐसे ग्रीन पटाखे हैं जो जलने के बाद पानी के कण पैदा करते हैं, जिसमें इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले सल्फर और नाइट्रेट के कण घुल जाते हैं, इस तरह नुकसान कम होता है। इनकी इस खूबी के कारण इन्हें वाटर रिलीजर कहा गया है। पॉल्यूशन रोकने वाले स्टार क्रैकर, दूसरी कैटेगरी में उन ग्रीन पटाखों को रखा गया है जो सल्फर और नाइट्रोजन के कणों के निर्माण कम से कम करते हैं। इन पटाखों में खास तरह के केमिकल का यूज होता है जो ऐसे कणों की मात्रा को घटाने का काम करता है। इस कैटेगरी के पटाखों को स्टार क्रैकर्स भी कहते हैं। कम से कम एल्यूमिनियम वाले पटाखे, ये ऐसे ग्रीन पटाखे हैं जिनमें सामान्य पटाखों की तुलना में 60% तक कम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। इसे सफल पटाखे के नाम से भी जाना जाता है। खुशबू फैलाने वाले पटाखे, चौथी कैटेगरी में वो पटाखे शामिल किए गए हैं जो दगने पर खुशबू बिखेरने का काम करते हैं, इन्हें अरोमा पटाखे भी कहते हैं। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।